हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है, 10 किलोग्राम की एक ट्रॉली को एक स्प्रिंग से इतना सटाकर रखते हैं कि स्प्रिंग दबी रहे। ट्रॉली को छोड़ने पर स्प्रिंग के धक्के से ट्रॉली जो है 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो दबी अवस्था में स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कितनी थी ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो है दबी अवस्था में स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा के बराबर जो है यहाँ पे द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो यहाँ जो है दबी अवस्था में स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बराबर जो है द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है हाफ, ठीक है, एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ लिख देंगे और एम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसका मास यहाँ पे दिया हुआ है, सो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे वी का दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, बी पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 पे स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाफ और ये 10 और ये जो है 4 पे स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे एक मिनट, ओके, सो 4 पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इस कोने में सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जो है इस 2 को इस 10 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 5 बच जाएगा और 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो यहाँ पे 80 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है एक प्रोटोन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर स्थितिज ऊर्जा आपको बताना है कि उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ओके, सो नेक्स्ट, तो यहाँ पे है 10 अश्व शक्ति। ठीक है, यहाँ पे है कि 10 हॉर्स पावर, इंग्लिश में इसको हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है, कि मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं के प्रति सेकेंड पानी खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो है प्रति सेकेंड पानी खींचा जा सकता है कितना किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस है तो इसमें से आपको आंसर्स करने क्या करेक्ट होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू, ठीक है, डब्ल्यू बाय टी, वर्क बाय टाइम। ठीक है, और वर्क का फॉर्मूला होता है एम जी एच। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्क के जगह डब्ल्यू के जगह जो है एम जी एच लिखेंगे और यहाँ पे टाइम है। ठीक है ना, और ये एक मिनट, ओके, सो यहाँ पे ये पी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे ये एम जी एच को इधर लेके आएंगे। ठीक है, और टी को इधर लेके आएंगे, तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे हम देखते हैं। पी और टी को जब हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ये पी टी हो गया। ठीक है, और ये एम जी एच को हम यदि बराबर किस पार लाए थे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी एच, जी एच को नीचे लाएंगे। ठीक है, और एम को इधर ही रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एम इज इक्वल टू पी टी डिवाइड बाय जी एच। ठीक है ना, तो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर मिटाना पड़ेगा,
तो हम इसको ये वाला पार्ट मिटा देते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला था तो इसको हम यहां से मिटा दिए, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, पावर, ठीक है, तो पावर यहां पे कितना है, पावर यहां पे अशुशक्ति का आपको वैल्यू पता होगा कितना होता है, 746, ठीक है, और यहां पे कितना है 10, 10 अशुशक्ति है, तो यहां पे 10 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे कितना बोला है प्रति सेकेंड, तो यहां पे हम प्रति सेकेंड पर सेकेंड, तो एक यहां पे हम दे देंगे, ठीक है, यहां पे एक मैंने दे दिया। उसके बाद अब यहां पे क्या, जी, जी का यहां पे वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे 10 लिखेंगे, और एच हाइट यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, ये गहरा जो है ये हाइट ही है, तो यहां पे हम लिख देंगे 7.46। तो अब क्या होगा यहां पे, इससे जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये पॉइंट हम हटाएंगे तो हम एक जीरो ऊपर पे लगा देंगे, ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे हट गया। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इधर इतना सा जगह पे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या है कि फोर, सॉरी एक मिनट, ओके, सो यहाँ पे 7.46 गुने ये जो 10 यहाँ पे है इसको लिखेंगे, और ये एक का तो कोई मतलब नहीं है, गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 10 हम लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना बचा, 4.746, क्योंकि ये पॉइंट था ये हट ही गया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7.46। और एक चीज यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया था, ये पॉइंट के बाद दो डिजिट है ना, तो यहाँ पे 2 0 होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, 2 यहाँ पे डिजिट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इससे जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या बचा, 100, तो यहाँ पे 100 kg करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो यहाँ पे बोल रहा है एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है, ठीक है, और इसे 2 मीटर पर सेकेंड की दर से लपेटती है, तो मोटर की शक्ति आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है शक्ति इज इक्वल टू एफ बाय वी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, 4500 न्यूटन, तो यहाँ पे 4500 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वेलोसिटी, सो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 9000, ठीक है, 9000 वॉट, तो यहाँ पे 9000 वॉट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, किलोवाट, तो यहाँ पे किलोवाट, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी इंजन की सामर्थ 1 HP है, ठीक है, तो उसका तात्पर्य क्या है, सो इसका जो करेक्ट होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर जो है यहाँ पे 740 जूल पर सेकेंड है, सो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।